हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ क्विज अभ्यास सॉल्यूशन वीक 8 28 2022 का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे साइंस के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आंवला में, चावल में, आलू में, सोयाबीन में। आंसर करेक्ट हो जाएगा सोयाबीन में। निम्न में से जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला है वो है सोयाबीन। पोषक तत्व जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो आपका जो शरीर की वृद्धि है वो अच्छे से होगी। वायु प्रदूषण से किस रोग के होने की संभावना सर्वाधिक रहती है? तो वायु प्रदूषण से होती है सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, श्वास संबंधी बीमारियाँ। ठीक है, अगर आपको मरुस्थल में यात्रा करनी है तो किस जंतु को साथ में लेना उपयुक्त होगा? आंसर हो जाएगा ऊँट, जो कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है जिसे। तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर प्रचलित रहता है या फिर कंफर्टेबल होता है चलने में वो होता है ऊँट। निम्नलिखित में से क्या जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है? तो आंसर हो जाएगा इंसान। जल प्रदूषण कौन करता है? इंसान ही सबसे ज़्यादा करता है, इंसान के कारण ही जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती है? तो वो होती है पराबैंगनी किरणों के कारण। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अगर उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एसी और इनमें जो यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसको हानि पहुँचाती है और उसमें क्या कहती है उसको क्रैक करने की संभावना करती है। और उससे क्या होता है, अगर क्रैक्स आ जाते हैं ओजोन मंडल में, तो ओजोन जो लेयर होती है अगर उसमें छेद हो जाता है तो उस छेद से जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो आ जाती हैं पृथ्वी पर, जिस जो नुकसान पहुंचाती हैं सभी को। ठीक है, जिससे कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर ही एक ऐसी लेयर है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर को किसी भी कारण से हानि पहुँचती है तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के परीक्षण के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा ने आज अपने नाश्ते में पके हुए आम, पपीता और गाजर का सलाद खाया है, उसे इनमें से कौन सा विटामिन प्रचुरता से प्राप्त होगा? तो आम, पपीता और गाजर में विटामिन होता है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का कौन सा अवयव इसका आयतन बढ़ाने और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है? तो आंसर हो जाएगा रुक्षांश। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण स्कर्वी रोग से ग्रस्तता के संकेत हैं? तो आंसर हो जाएगा मसूड़ों से खून निकलना, जो कि स्कर्वी रोग से ग्रस्तता का संकेत है। अरक्तता यानी एनीमिया रोग से ग्रस्त होने पर इनमें से किस प्रकार के आहार को अधिकता में लेने की सलाह दी जाती है? तो आयरन युक्त हरी पत्तियों को बोला जाता है, पालक को बोला जाता है, पालक, चुकंदर जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, अनार, तो इन चीज़ों को सेवन करने के लिए बोला जाता है जब आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो टैबलेट से अच्छा है कि आप इन फ्रूट्स को अगर खाएंगे तो आपको आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप पालक को कच्चा चबा कर खाइए, उबाल कर खाइए, पालक को किसी न किसी तरह से खाइए, आप में आयरन की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी होने का क्या कारण हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा सब्जियां या फलों को काटने के बाद धोना। ठीक, काटने के बाद में नहीं धोना चाहिए सब्जियों को। ठीक है, पहले ही धो के रख लो, उससे क्या रहता है कि उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। भोजन पकाने में अत्यधिक जल का प्रयोग करके बाद में उसे फेंक देना, तो जल का प्रयोग करके अगर उसे फेंका जाता है भोजन पकाने के लिए तो वो यूज़ में नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स चले जाते हैं जिस भी भोजन को हम पकाते हैं उस भोजन का, तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, उस पानी का भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, भोजन को आवश्यकता से अधिक अगर पका रहे हैं तो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, भोजन में तो इस तरह की जो रहते हैं कारण, इनसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है भोजन में, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सोशल साइंस के सब्जेक्ट का क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पांडुलिपियां निम्न में से किस पर लिखी जाती थी? तो आंसर हो जाएगा ताड़पत्र एवं भोजपत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख किस पर लिखे मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा पत्थरों अथवा धातु जैसी कठोर जगहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा मगध। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अस्पृश्यता उन्मूलन का उद्देश्य है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जो प्रथा थी
उन्मूलन का उद्देश्य है सामाजिक समानता, ठीक है। तो इसके लिए क्रांति लाई गई थी ताकि छुआछूत ना हो। तो यहाँ पर इसका मूल उद्देश्य क्या है, सामाजिक समानता, यानी समाज में समान व्यवहार करने की, ठीक है। रिक्त स्थान उद्देश्य समान के वंचित, समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरियों और विकास के विशेष अवसर देना है। तो यहाँ हो जाएगा आरक्षण का उद्देश्य समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरियां और विकास के विशेष अवसर देना है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किसे बढ़ावा देता है? तो आंसर हो जाएगा समानता को। आज स्कूल में मोहिनी की तबीयत अचानक ही खराब हुई, उपचार के लिए शिक्षक उसे कहाँ लेके जाएंगे? तो उपचार कहाँ पर होगा, अस्पताल में। आंसर हो जाएगा हॉस्पिटल, अस्पताल, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्बेंडाजोल गोली कौन सी बीमारी के उपचार हेतु दी जाती है? कृमि नियंत्रण, जो कीड़े हो जाते हैं अंदर, पेट के कीड़े मारने के लिए दवा दी जाती है एल्बेंडाजोल। तो यहाँ पर कृमि नियंत्रण के लिए ये दवाई दी जाती है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सीमा के पिता उसके पैसे सुरक्षित जमा करना चाहते हैं, उन्हें कहाँ जाना चाहिए? तो उन्हें जाना चाहिए बैंक में, ठीक है। सुरक्षित पैसे कहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं? बैंक में। सुनीता को सड़क पर बटुआ पड़ा मिला, बटुए को उसके मालिक तक पहुंचाने में उचित मदद कहां से मिल सकती है? तो उचित मदद मिलेगी पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाएगी, पुलिस ढूंढेगी उस बटुए के मालिक को और बटुआ मालिक को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्याम लोगों को ब्याज पर कर्ज देता है, जब लोग समय से पैसा नहीं दे तो वह रामू को कर्ज वसूल करने के लिए भेजता है। तो रामू का पेशा क्या है? तो रामू कर्ज वसूल कर रहा है तो वो हो गया मुकादम, ठीक है। ब्याज पर कर्ज जो देते हैं वो होते हैं साहूकार या सेठ लोग, और जो पैसा नहीं दे और कर्ज वसूलने के लिए जिस आदमी को भेजा जाता है वो होता है मुकादम। तो यहाँ पर है रामू का पेशा मुकादम का। अब देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें आपको सबसे पहले देखिए एक स्टोरी दे रखी है जो कि आपने जनरली सुनी होगी, एक टेलर और एलिफेंट की, जिसमें क्या होता है, टेलर जिस टेलर की शॉप जिस रास्ते में पड़ती है उस रास्ते से एक एलिफेंट जाता है, एलिफेंट को टेलर हमेशा बनाना देता है खाने के लिए, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, टेलर गुस्से में रहता है, तो एलिफेंट जब आता है तो वो उसकी सूंड में सुई चुबो देता है, ठीक है, जिसके कारण एलिफेंट उस समय तो कुछ नहीं बोलता है, बट रिटर्न करते समय वो अपने सूंड में, ट्रंक में मड़ यानी गीली मिट्टी भर लाता है और उस गीली मिट्टी या मड़ को कीचड़ को उसके टेलर की शॉप पर फेंक देता है सूंड से, ठीक है। तो टेलर वॉज रूंड यानी पछताना, जो टेलर है, जो दर्जी है, उसे अपनी गलती का पछतावा होता है, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन से रिलेट, देयर वॉज अ ब्लैंक इन द वे, क्या पड़ता था, टेलर शॉप, ठीक है, रास्ते में क्या पड़ता था, टेलर शॉप, दर्जी की दुकान। अगला क्वेश्चन है, सेम स्टोरी दे रखी जैसे रिलेट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एलिफेंट गो द सेम वे एवरी डे, क्योंकि एलिफेंट उसी रास्ते से क्यों जाता था, नहाने के लिए, टू टेक बाथ, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टेलर फीड द एलिफेंट, एलिफेंट को खाने के लिए क्या देता था टेलर, तो यहाँ हो जाएगा बनानास, केले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे द टेलर वॉज ब्लैंक, टेलर एक दिन क्या था, एंग्री था, गुस्से में था, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगली स्टोरी है, आपने सुनी होगी, देखी होगी और हमारे चैनल पर काफ़ी बार अपलोड की जा चुकी है ये स्टोरी, लॉइन एंड द माउस की, जो कि आपको दे रखी है, जिसमें एक बार लॉइन क्या कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो जो माउस है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ पर एंटरटेनमेंट का सिमिलर वर्ड दे रखा है एम्यूजमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर अप डाउन होता है यानी उछल कूद करता है, लॉइन क्या होता है, सो रहा होता है और वो सोने से जग जाता है, ठीक है, और एनरेज्ड यानी गुस्सा हो जाता है, लॉइन वॉज गोइंग टू ईट, और माउस को खाने के लिए वो पकड़ता है माउस को, तो माउस क्या होता है, उसे प्रार्थना करता है कि वो उसे छोड़ दे, फ्यूचर में वो उसके काम आ सकता है, काम आएगा, ठीक है, एश्योर करता है उसको। तो जो लॉइन होता है वो हंसता है माउस की बात पर कि भला तुम मेरे क्या काम आओगे। तो इस तरह से ये स्टोरी दे रखी है, तो लास्ट में छोड़ देता है लॉइन, एक दिन क्या होता है शिकारी, इसके आगे की स्टोरी मैं आपको कंप्लीट करा ही देती हूँ, जब स्टार्ट की ही है तो आगे
क्या होता है, एक बार शिकारी आ जाता है उस जंगल में, शिकारी के जाल में वो शेर फंस जाता है और वो दहाड़ता है फंसने के बाद में, तो क्या होता है वही चूहा जिसने उसे छोड़ा होता है तो वो चूहा उसकी दहाड़ को सुनता है और आता है, उस जाल को काट देता है और शेर को फ्री कर देता है। तो इस मॉरल और शेर खुश हो जाता है। तो इस स्टोरी से मॉरल ये मिलता है कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए, अ माउस वॉज रेसिंग अप एंड डाउन, तो यहाँ हो जाएगा द लॉयंस बॉडी, लॉयन बॉडी, जो लॉयन की बॉडी थी उस पर अप डाउन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एंटरटेनमेंट, तो हमें देखा एम्यूजमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट का यहाँ पर सिमिलर वर्ड दे रखा है एम्यूजमेंट, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट है, वॉट डू मीन बाय वर्ड एनरेज, एनरेज का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉट डू द लॉयन डू व्हेन द माउस एश्योर्ड हिम टू हेल्प इन द फ्यूचर, तो जब माउस ने उससे एश्योर किया कि वो उसकी हेल्प करेगा फ्यूचर में, तो लॉयन क्या करता है, हंस जाता है, तो यहाँ ही लाफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब है एक पैरा दे रखा था कि व्हाट इज अ हाउस, इट इज ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, इट हैवेंस एंड चिमनी एंड टाइल फ्लोर एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, तो एक हाउस के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इसे अच्छे से आपको रीड करना है, समझना है, देन आंसर करने हैं। आवर हाउस इज बिल्ट, किससे बना था हाउस, ब्रिक स्टोन वुड एंड आयरन से, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक स्टोन वुड एंड आयरन, यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोइट अ हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम अ होम, हाउस क्या होता है, होम से डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंग टू पोइट। नेक्स्ट है, अ होम इज मेड ऑफ, होम इज मेड ऑफ लविंग फैमिली, प्यारी फैमिली से क्या बनता है, होम बनता है, घर बनता है, नहीं तो खाली अगर रहता है उसमें कोई फैमिली नहीं रहती है या कोई अकेला रहता है तो वो एक मकान के तौर पे रहता है। ठीक है, जहाँ पर फैमिली मिलकर के रहती है वो होता है घर, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, लविंग फैमिली, घर किससे बनता है, प्यारी फैमिली से। नेक्स्ट अगेन दे रखा है सेम ही पैरा और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ अनसेल्फिश, अनसेल्फिश यानी सेल्फनेस, सेल्फलेस, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है कक्षा 6 के विषय इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस से रिलेटेड क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।